आज मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल अचारी पनीर, और इसमें डलने वाला अचारी मसाला भी आज मैं घर पर ही बनाऊंगी। चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। मैं आपके लिए हमेशा नई नई रेसिपीज लेकर आती हूँ, और अगर आप मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अचारी पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम अचारी मसाला बना लेते हैं। तो हम पैन में डालते हैं 1 टेबल स्पून खड़ा धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1/2 चम्मच मेथी, मेथी थोड़ी कड़वी होती है तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच काला जीरा और 3 से 4 पीस खड़ी लाल मिर्च, और सभी को हम लो फ्लेम पर रखकर 2 से 3 मिनट तक के लिए भून लेते हैं। मसालों को भुनने से टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसलिए हम मसालों को थोड़ा सा भून लेते हैं। तो मसालों को मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है, और अब हम फ्लेम को बंद करते हैं और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर मसाला थोड़ा ठंडा हो गया है और अब इसे हम डालते हैं जार में, और अब इसे हम ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छा पाउडर बना लिया है, बिल्कुल महीन पाउडर बन गया है। और चलिए अब हम ग्रेवी बनाने के लिए पेस्ट भी बना लेते हैं। तो पेस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर 1/4 कप शिमला मिर्च ले रहे हैं, और इसमें हम डालेंगे 8 से 10 पीस लहसुन, 2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है, और 1/2 कप कटे हुए टमाटर डाल देते हैं, और सभी को बिल्कुल अच्छे से हम ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। इस तरीके से हमें पेस्ट बनाना है, और अब हम चलिए मसालों को भुनना स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए हम पैन में डालते हैं 2 टेबलस्पून सरसों का तेल, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप यहाँ पे चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी तेल जो आप खाते हैं वो यूज़ आप कर सकते हैं। और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। और इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे, और फिर इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच हींग और लगभग 1/2 कप बारीक कटे हुए प्याज भी डाल देते हैं, और प्याज को बिल्कुल अच्छे से भून लेते हैं जब तक कि ये हल्के सॉफ्ट ना हो जाएं। तो ये देखिए प्याज हल्के सॉफ्ट हो गए हैं, और इसी समय हम इसमें डालते हैं 2 टेबलस्पून अचारी मसाला, हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं, और सभी को हम बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम यहाँ पे हाई फ्लेम पर नहीं मिक्स करेंगे, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। हम यदि हाई फ्लेम पर रखकर मसाले को भुनेंगे तो सब्ज़ी का टेस्ट कड़वा हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने थोड़ा सा भुन लिया है, और अब इसमें हम डालते हैं टमाटर और कैप्सिकम का पेस्ट। और पेस्ट को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, और इसे हम मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर तब तक भुनेंगे जब तक कि मसालों में से तेल अलग ना हो जाए। तो इसे भुनने में 3 से 4 मिनट लगेगा, तो हम इसे बीच बीच में चलाते हुए भून लेंगे। तो मसालों को भुनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, और आप देख रहे हैं मसालों ने पैन को बिल्कुल छोड़ दिया है। तो इसे अब हम और नहीं भुनेंगे, और इसी समय हम डालते हैं 2 से 3 टेबलस्पून दही। दही डालकर इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम यहाँ पे फ्लेम को लो कर देंगे, नहीं तो दही फट सकता है। दही डालकर हम इसे 2 मिनट के लिए और पकाते हैं। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है, और अब इसमें हम डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर, जिसे मैंने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है, और साथ ही साथ इसमें हम टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं, और सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल जेंटली हमें मिक्स करना है ताकि पनीर टूटे नहीं। और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं पानी, बहुत थोड़ा पानी डालेंगे, और साथ ही साथ इसमें हम डालते हैं धनिया की पत्ती, और सभी को बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा अचारी पनीर बिल्कुल रेडी हो गया है, आप देख रहे हैं बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और चलिए अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये रेसिपी, कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइए, और इसकी पिक मेरे साथ शेयर कीजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।